अगर भैया वेडिंग हाईलाइट बनाना सीखना चाहते हो या फिर वेडिंग हाईलाइट ऑलरेडी बनाते हो तो बिल्कुल सही जगह पे आए हो। मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रोसेस एक्चुअली कैसे करनी चाहिए, आपको वेडिंग वीडियो एडिटिंग में कितनी ज़्यादा इजी हो जाएगी अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हो। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल स्टेप है, बहुत ज़्यादा ईजी है। इस वीडियो के एंड तक आपको बेसिक समझ में आ जाएगा कि भैया स्टार्ट कहाँ से करना है और कौन से क्वेश्चन पूछने हैं और कौन से आंसर सही से निकलवाने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँगा कि ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, मतलब दो या तीन वीडियो में लंबा जाएगा, तो उसके लिए प्लीज रेडी रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो गाइस इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो पहले सबसे पहले यही पूछना है कि कौन सा कैमरा था और आप लोगों ने कितने कैमरा में शूट किया है, उस हिसाब से आप डिसाइड करवाओगे आपको कितना टाइम लगेगा, कौन सी कट्स कहाँ से लेनी है, कौन सा कैमरा स्टडी था और कौन सा कैमरा गिम्बल पे चढ़ा हुआ था। क्योंकि वेडिंग में अक्सर ऐसा होता है कि एक कैमरा स्टडी शूट करता रहता है, दूसरा कैमरा गिम्बल से शूट करता रहता है। तो उन सिनेरियो में, उन केसेस में आपको पूछना है कौन सा कैमरा था और कौन सी प्रोफाइल में शूट किया है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा सिंपल कलर ग्रेडिंग और कलर करेक्शन में। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ पूछ ही लेना कि कितने दिन का फंक्शन था, क्योंकि उसके हिसाब से आप म्यूजिक डिसाइड कर सकते हो और सारी चीज़ों को सेटल कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है, डेटा को जो है कॉपी करना है, अपने पास हमेशा एक कॉपी रखना, क्योंकि उस कॉपी को आप मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस करना चाहो तो खुद की मर्जी से कर सकते हो। कभी जो मेन ओरिजिनल जो फाइल होती है उस पर एडिट मत करना, वहाँ से वीडियो आपको डिलीट करनी हो तो आप नहीं कर पाओगे। सो बेसिकली एक कॉपी बनाओ और उस कॉपी में एडिट करो। कॉपी में एडिट करने का फ़ायदा बहुत सारा है, आप जो चाहे चीज़ें डिलीट कर सकते हो, कुछ नाम के चेंजेस करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो विदाउट एनी कन्फ्यूजन। और कोई भी नोट एडिट करना चाहते हो कि इस फाइल को यहाँ से उठाना है, वो भी बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो ये था पहला स्टेप और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछ लेना और ये चीजें हमेशा क्लियर रखना, ठीक है। और बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ जो है फाइल मैनेजमेंट। तो भैया फाइल मैनेजमेंट मैं सिंपली बताना चाहूँगा फाइल मैनेजमेंट करते कैसे। तो पहले तो आपको खोल लेना है अपना जो भी फोल्डर आपको कम्प्लीटली मिला हो, उसको डिवाइड कर देना है डेज के हिसाब से। ऑलवेज रेकमेंड करूँगा डे के हिसाब से रेकमेंड करो, क्योंकि डेज के हिसाब से करने से आपको पता चलेगा पहली चीज़ कब जाएगी, दूसरी चीज़ कब जाएगी और तीसरी चीज़ कब जाएगी। और आपको पता चलेगा कि पहले दिन संगीत था या फिर दूसरे दिन संगीत था, तो संगीत की वीडियो मुझे इधर से उठानी है, और तीसरे दिन वेडिंग थी, लास्ट डे था, वहाँ पर वेडिंग थी या फिर रिसेप्शन था, तब मुझे ये वीडियो रिसेप्शन के यहाँ से उठानी है। उसके बाद जब आप एंटर करो तब आपको सिंपल याद रखना है वीडियोस को डिवाइड करना है फंक्शन के हिसाब से, नहीं क्योंकि काफ़ी लोग क्या कर देते हैं फंक्शन के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। तो उन लोगों को फंक्शन के अंदर भी फोल्डर बनाना पड़ेगा कि कौन से कैमरा से शूट किया हुआ है। सो वो चीज़ बिल्कुल मत करना, सिंपली जो है एक चीज़ ध्यान रखना कि डे वन आपने दिया उसके अंदर जाओ, उसके अंदर कैमरास को ऐड करो। फॉर एग्जांपल सोनी A7 III थे तो सोनी A7 I, सोनी A7 II, उसके अंदर जाओ और जो उसकी कार्ड की फाइल है, जैसे कि तीन कार्ड फुल किए उन लोगों ने, तो कार्ड 1, 2, 3 और दूसरा सोनी A7 III है उसके अंदर उन लोगों ने दो कार्ड फिट किए, तो कार्ड 1, कार्ड 2, इस तरीके से आप प्रोसेस के साथ इसको बनाते जाओ। ये बहुत ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि अगर आप वेडिंग में जब एडिटिंग करने बैठोगे तब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आप जितना डेटा प्रीमियर प्रो के अंदर इंपोर्ट करोगे उतना ही ज़्यादा वो लैग मारेगा। मतलब आपका डेटा यूज़ हो रहा है नहीं हो रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब है इतनी चीज़ से कि कितनी फाइल उसके प्रीमियर प्रो के अंदर है, तो उससे आपका जो है सॉफ्टवेयर स्लो चलेगा और आपको जो है रेंडर में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये चीज़ बचाने के लिए फाइल मैनेजमेंट इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट। और पहले से ही फाइल मैनेजमेंट एक चीज़ ध्यान रखना कि जितनी भी वीडियोस है उसको स्टार्ट से लेके एंड तक एक बार नज़र मार लो, इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लो, और जो बिना काम की फालतू की वीडियो जो गलती से ले ली होती है उसको देख लो और डिलीट कर दो। दैट्स द मेन थिंग ऑफ फाइल मैनेजमेंट। इससे आपको क्या होगा, जब आप एडिटिंग करने जाओगे तो वहाँ पर आप अगर पूरा डेटा इंपोर्ट कर लेते हो तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सारा का सारा डेटा काम का है और आपको जहाँ पर क्लिप डालनी है वहाँ पर आप क्लिप डाल सकते हो। दिस इज द बेसिक एंड सिंपल रूल ऑफ फाइल मैनेजमेंट। उसके बाद का स्टेप आता है म्यूजिक सिलेक्शन का। पहले ही आपने सारी फुटेज देख ली है कि भैया हाँ ये से ये फुटेज है, इतने दिन का फंक्शन है, इतना टाइम लगेगा, इतनी वीडियो बननी चाहिए। आप दो तरीके से बना सकते हो, फंक्शन वाइज ट्रेडिशनली जा सकते हो कि पहले अगर गणेश की स्थापना होती है तब आप गणेश स्थापना ले रहे हो, उसके बाद आप जो है पार्टी आ रही है तो पार्टी का ले रहे हो, उसके बाद शादी ले रहे हो। ऐसा नहीं कर सकते, शादी हो जाए उसके बाद हल्दी दिखाओ और मेहंदी दिखाओ,
निकालो, वो चीज़ मत करो, ट्रेडिशनली चल रहे हो तो वो चलो, या फिर अपने जो म्यूज़िक है उसकी बीट के हिसाब से उसको फ्लो होने दो। इट इज़ लाइक आर्ट, आप पेंटर की तरह पेंट कर रहे हो पूरी वीडियो को म्यूज़िक पे। म्यूज़िक आपका एक कैनवस है जो ब्लैंक है, उसके आपको पेंट करना है अपनी वीडियो को। आप कहाँ से कितनी कट मारते हो वो डिपेंड करेगा आपके म्यूज़िक पे। तो म्यूज़िक जो है पूरी वीडियो की सोल होती है, एक आत्मा होती है, जिसे कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे वाइजली एकदम मतलब प्यार से चूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि गणपति मतलब कोई मतलब रसम वसम चल रही है और आप डिचुक डिचुक वाला कोई सॉन्ग डाल लो, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि वो सॉन्ग अगर आप डालोगे तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, वो जो वीडियो देखते वो जो बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ प्लेस हो जाएगा। अगर कोई चीज़ मतलब हल्दी चल रही है तो हल्दी के ही सॉन्ग डालो, कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन, तो वो यूज़ करो और उसको यूज़ करते हुए सिंपली जहाँ पर जो म्यूज़िक लगता है वही लगाओ। और म्यूज़िक सिलेक्शन में टिप देना चाहूँगा कि ऐसे म्यूज़िक ढूंढो जो निकालो कहीं से, एकदम मतलब छांट के निकालो कि जो लोगों ने सुने ना हो, ऐसे म्यूज़िक ऐसे आर्टिस्ट जो कभी उन लोग जो क्लाइंट हैं उन्होंने कभी सुने ना हो, वो एक बार इस म्यूज़िक को सुन ले और ऐसा उनको लगे कि यस म्यूज़िक जो है पूरी वीडियो को फील दे रहा है, वीडियो का चार्म जो है म्यूज़िक से आ रहा है। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि म्यूज़िक जो है मतलब इतना अच्छा सिलेक्ट करो, उसके लिए टाइम लो। वेबसाइट्स बहुत सारी फ्री की वेबसाइट्स है जहाँ पर आपको म्यूज़िक मिलता है, वहाँ से ले लो। आप यूट्यूब पर से नो कॉपीराइट म्यूज़िक ले सकते हो, कॉपीराइट वाला ले सकते हो लेकिन उसके अपने अपने इशू है। टी सीरीज़ का अगर आपके पास लाइसेंस है तो टी सीरीज़ के कोई भी म्यूज़िक यूज़ कर सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टी सीरीज़ के म्यूज़िक नॉर्मल होते हैं, इतने ज़्यादा वो नहीं होते। सो काइंड ऑफ मैं रेकमेंड करूँगा कि म्यूज़िक ऐसा सिलेक्ट करो जो आपकी जो वाइब्स है उसको शूट करता है, ना कि उसके ऑपोजिट जाता है, और उसके हिसाब से वीडियो को एडिट करो, ना कि वीडियो को मतलब ऑपोजिट मत जाओ यार, पहले कैनवास लगा दो उसके बाद उसके ऊपर पेंट करना स्टार्ट करो। तो भैया आपने म्यूजिक सिलेक्शन कर लिया, फाइल मैनेजमेंट कर लिया, अब बारी आती है एडिटिंग की। अब जो है असली मज़ा आना स्टार्ट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीमियर प्रो को चालू करो, उसके अंदर जाओ और प्रोजेक्ट बनाओ। प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी मत रखना, जो क्लाइंट का नाम है वही नाम से प्रोजेक्ट बनाना, और प्रोजेक्ट फाइल जो है हमेशा सारी सेव करके रखना। कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट फाइल इतनी जल्दी डिलीट मत कर देना, क्योंकि उसकी फाइल साइज इतनी ज़्यादा होती नहीं है, तो उसको संभाल के रखना। उसके बाद जो है अपना सारा डेटा इंपोर्ट कर लेना प्रीमियर प्रो के अंदर। उसके बाद आप जो है एक डिफरेंट फोल्डर बनाओगे जिसका नाम होगा फाइल फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर आपको जो है अपनी सारी फाइल्स रखनी है, जैसे म्यूज़िक हो गए, सीक्वेंस हो गए, नेस्टेड सीक्वेंस हो गए, एडजस्टमेंट लेयर हो गई। ये सारी चीज़ें नहीं पता तो प्रीमियर प्रो बेसिक की वीडियो आ जाएगी, वहाँ पर जाकर चेकआउट कर लेना, एक या दो दिन में आ जाएगी। सो इतनी चीज़ें आप वहाँ पर डालोगे। कोई भी चीज़ मतलब ऐसे ही मतलब बाहर ही मतलब खुले सांड की तरह मत रख देना, सिंपली उसको जो है कम्प्लीटली मैनेज करके रखना। अगर आपके अलावा कोई और भी आपके प्रीमियर प्रो को एक्सेस करता है, उस प्रोजेक्ट को देखता है, तो उसके साथ लगना चाहिए कि हाँ प्रोफेशनली प्रोजेक्ट बनाए और बहुत ज़्यादा ईजिली बनाए, तो कोई भी कभी भी इसके अंदर चेंजेस कर सकता है। देन आप प्रीमियर प्रो के अंदर जाओ और सीक्वेंस बनाओ। वहाँ पर आपको साइड में छोटा सा दिखेगा, वहाँ पर सीक्वेंस पर क्लिक करना है, सीक्वेंस बनाना है। तो सीक्वेंस के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कई लोग क्या करते हैं, 1920x1080p का फुल HD का सीक्वेंस बनाया फॉर एग्जांपल, तो उसके ऊपर ब्लैक बार्स डालेंगे, मतलब क्रॉप लेंगे, क्रॉप उसके ऊपर जो सिनेमेटिक स्कोप होता है वो ऊपर से डालेंगे, वो बिल्कुल नहीं करना है, वो मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ किसी को भी। आपको क्या करना है, सीक्वेंस में जाना है और सीक्वेंस की सेटिंग जो है मैं पूरी जो है स्क्रीन पर दे रहा हूँ, उस हिसाब से सीक्वेंस को बनाना है। अगर आपको क्रॉप ज़्यादा नहीं करना है, सिनेमेटिक बार नहीं रखने हैं, मतलब सिनेमा स्कोप नहीं डालना है, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप जो है सिंपली अभी का लेटेस्ट रेशियो फॉलो करें, 1920x1964K का भी मैं सारा इधर दे दूंगा। तो उस रेशियो के हिसाब से क्या होगा, जब भी आप वीडियो अगर मोबाइल में देख रहे हो या फिर कहीं भी देख रहे हो वाइड स्क्रीन में, तो वो वीडियो पूरी स्क्रीन को कवर कर लेगा, वो बहुत अच्छा लगता है, उसकी इफेक्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मोस्ट ऑफ माय वीडियो इस तरीके से बनता है, लेकिन आप नॉर्मल वीडियो भी बना सकते हो 1920x1080 16:9 के रेशियो में, वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल और अच्छा रहता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपनी प्रोसेस इस तरीके से करता हूँ, अगर आप ये करोगे तो ये एडवांस प्रोसेस है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इस प्रोसेस में। सो उसके बाद आपको इंपोर्ट कर लेना अपना म्यूज़िक, और म्यूज़िक इंपोर्ट करने के बाद आपको अपना म्यूज़िक जो है रखना है टाइमलाइन पे, और टाइमलाइन पे रखने के बाद उसको अपनी जो है कितना लंबा रखना चाहते हो, उसको शॉर्ट करना चाहते हो, उसको डुप्लीकेट करना चाहते हो, उसके साथ क्या करना चाहते हो, वो चीज़ आपको कर देनी है। तो मैं उसका डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो बेसिक वाली वीडियो में आपको पता चल जाएगा। सो वहाँ पर आप गए और उसके बाद स्टार्ट होती है ओरिजिनल प्रोसेस। जब आप म्यूज़िक परफेक्टली कट करोगे
उसके बाद आपको जो वीडियो को देखना है कि आप किस तरीके से जा रहे हो, कि अगर आप लाइक जा रहे हो कि भैया मुझे जो है उसके बीट पर, उसके जो लिरिक्स है उस पर ही मुझे पूरी वीडियो को बनाना है, कौन सी वीडियो कहाँ जा रही है वो मैटर नहीं करती, मतलब मुझे 4.5 मिनट की सिर्फ वीडियो बनानी है और उस वीडियो के अंदर जितने वर्ड्स है उसके हिसाब से मुझे अपने शॉर्ट्स को ऐड करना है। अगर बात हो रही है दूल्हे की एंट्री की, तो दूल्हे की एंट्री की ही वीडियो आएगी, मैं ये केयर नहीं करूँगा कि वो वीडियो के स्टार्टिंग में है या एंडिंग में है। और एक और चीज़, अगर आप सीक्वेंस स्टार्ट कर रहे हो तो उसी चीज़ से स्टार्ट करो जिसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहते हैं, एस्टैब्लिशिंग शॉट। तो ये हो गई हमारी मेन चीज़ें, मतलब ये था फर्स्ट स्टेप। मतलब इस स्टेप को अगर आप फॉलो करते हो प्रॉपर, तो आपको एक मस्त म्यूजिक वाली सीक्वेंस मिलेगी। और इस वीडियो को यहीं पर थोड़ा सा मतलब सेकेंड पार्ट में कन्वर्ट करूँगा, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं ये नहीं चाहता कि लंबी और बोरिंग वीडियो बनाऊँ, और मैं नेवर लाइक ऐसा कभी नहीं सोचता कि आप लोगों को बोर करूँ। सो दिस इज़ दी एंड ऑफ दिस वीडियो, और पार्ट टू कल या फिर परसों एक दो दिन में आ जाएगा, और उस पार्ट में मैं आपको बहुत अच्छी सी चीज़ें बताऊंगा। जो ओरिजिनल वीडियो एडिटिंग है वो तब स्टार्ट होगी कि आपको कट कैसे करनी है, उस कलर ग्रेडिंग कैसे करनी है और कलर करेक्शन कैसे करना है। सो गाइस बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और भी ऐसी वीडियो देखने तो सब्सक्राइब कर लेना। IP साइनिंग आउट।